भारतीय राजनीतिक इतिहास में राजनीतिक परिवारों की लंबी फेहरिस्त है। नेहरू परिवार से लेकर कई राजे रजवाड़े इसमें शामिल हैं। पिता के मुख्यमंत्री रहते हुए उनके मंत्रिमंडल में ही बेटे के मंत्री रहने के उदाहरण काफी कम हैं, लेकिन हैं। इसकी शुरुआत हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने की थी। उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने बेटे रणजीत सिंह को मंत्री बनाया था। हालांकि बाद में चौधरी देवीलाल ने रणजीत सिंह के बड़े भाई ओम प्रकाश चौटाला को मुख्यमंत्री बना दिया। इससे नाराज होकर रणजीत सिंह अलग हो गए और ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। हालांकि चौटाला के दो बेटे हैं, लेकिन वो कभी चौटाला मंत्रिमंडल में नहीं रहे। एक बार किसी ने चौटाला से पूछा भी था, आप अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी किसे बनाएंगे? जवाब में उन्होंने कहा था, राज और खाज खुद करो तो ही मजा आता है। दूसरा उदाहरण है पंजाब का। यहाँ बड़े बादल साहब यानी प्रकाश सिंह बादल के मुख्यमंत्री रहते हुए उनके बेटे सुखबीर सिंह उप मुख्यमंत्री रहे हैं। हालांकि पिता के मुख्यमंत्री रहते हुए सुखबीर ही सरकार चलाया करते थे, लेकिन वो कभी भी आधिकारिक रूप से मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तीसरा उदाहरण है तेलंगाना का। यहाँ के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने अपने बेटे केटी रामा राव को मंत्री बना रखा है। चंद्रशेखर राव अपने बेटे को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और निश्चित रूप से उसे ही अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं, हर कोई जानता है, लेकिन ये कब संभव होगा भविष्य बताएगा। अब आते हैं उद्धव ठाकरे पर। उद्धव ठाकरे में भी सत्ता का मोह संभवतः इसलिए जागा था क्योंकि वो ठाकरे परिवार की विरासत अपने बेटे आदित्य ठाकरे को सौंपना चाहते थे और यही वजह है कि उद्धव ने अपने मंत्रिमंडल में बेटे आदित्य ठाकरे को मंत्री बनाया। इन सभी मामलों में ये देखा गया कि पिता के मंत्रिमंडल में जब जब भी कोई बेटा मंत्री रहा, उसके व्यवहार और विचार के कारण पिता के पुराने सहयोगी नाराज रहे। महाराष्ट्र में भी यही हुआ है। महाराष्ट्र में बने नए राजनीतिक समीकरण ने आदित्य ठाकरे को विरासत सौंपने के उद्धव के उद्देश्य को हिलाकर रख दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद 11 जुलाई तक बहुत बड़ा कुछ परिवर्तन होना जाना है नहीं, लेकिन जो भी होगा शिवसेना के पक्ष में होगा ऐसा नहीं लगता। आसार ये है कि नई सरकार की कोई सूरत नहीं बनी तो चुनाव के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं रह जाएगा। हालांकि बीजेपी और शिवसेना का विद्रोही गुट एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। खबरें आ रही हैं कि बीजेपी सरकार भी बनाने वाली है, लेकिन आखिरी विकल्प चुनाव में जाना ही होगा। अगर ये सब कुछ नहीं होता है तो कम से कम मौजूदा सरकार का बचना बेहद मुश्किल है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।